हमारा दलित उसी जाति का हिंदू धर्म का अगर मूछ रख ले, अच्छे कपड़े पहन ले, मंदिर में चला जाए, अच्छे घर बना ले, तो उसी के विरुद्ध तुम आग लगा देते हो उनके घरों में, उनकी हत्या कर देते हो, उनको मंदिरों में नहीं आने देते, पानी नहीं लेने देते। तो भैया हम किसके पास जाएं, हम कौन सी फाइल बनाएं, हमें ये भी तो बता दो। तो क्या यहाँ पर इस देश में जाति और धर्म की राजनीति चलेगी या शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा? अशोक जी, आप लगातार लड़ाई लड़ते रहे दलित समाज के लिए, क्या वजह अपराध क्यों नहीं कम हो रहा सर? देखिए, अपराध इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकारें जो हैं, ये तमाम सरकारें सांप्रदायिकता रूप से जाति और धर्म को लेकर काम कर रही हैं। ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और ये इस संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस वजह से वो मानसिक रूप से जातिवादी धार्मिक रूप है लोग हैं, इसलिए ये दलितों के खिलाफ अत्याचार कम नहीं। आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार में, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर तो बुरे हालात है समाज के। नहीं नहीं देखो, बुरे तो होने ही है क्योंकि जब जातिवादी लोग सत्ता में बैठेंगे इस देश में, प्रधानमंत्री कौन बना, पहला राष्ट्रपति कौन बना और आज तक सबसे ज्यादा कैबिनेट में कौन लोग रहे हैं? जब जाति के आधार पे जब कैबिनेट बनेगी, जाति के आधार पे चुनाव लड़े जाएंगे, जाति के आधार पे कैंडिडेट तय होंगे, तो भैया जाति का उन्मूलन कैसे होगा? बाबा साहब ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 जो उनमें कहा, उस समय 26 जनवरी 1950 को कहा, आज से छुआछात का उन्मूलन किया जाता है। क्या हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कोई नया नीतियां कोई कुछ नहीं बनाया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें शपथ लेनी होगी भारत के संविधान को लागू करने की। देखिए, बाबा साहब ने कहा था जब पूना पैक्ट साइन किया, उन्होंने कहा था कि ये जो पूना पैक्ट संयुक्त चुनाव प्रणाली लागू हुई है, इससे इन पॉलिटिकल पार्टियों के जो ये मनुवादियों के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियां होंगी, इसमें जो SC ST के नुमाइंदे होंगे वो उन्हीं के लोग होंगे, अपने लोग नहीं होंगे। इसीलिए बाबा साहब ने दलितों को वोट का अधिकार दिया, SC ST OBC को, और उनको खूब सारी पार्टियाँ बनाने का अधिकार दिया जिससे कि वो अपनी राजनीति खड़ी कर पाएँ और अपने अपने आज़ाद शेर संसद विधानसभा में भेज करके अपनी आवाज़। कानून भी है, अनुसूचित जाति आयोग भी है, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो आयोग की बात कर रहे हैं, हमने मांग की है कि जो अनुसूचित जाति आयोग और SC ST आयोग दोनों अलग अलग हैं, वो उनका SC ST लोग खुद चुने, उसका इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक होता है जिस पार्टी की सरकार होती है वही चेयरमैन मनोनीत करता है, चेयरमैन और सदस्य मनोनीत करता है। तो जब जिस पार्टी के खिलाफ लड़ाई है, जिस सत्ता के खिलाफ लड़ाई है, उसी के लोग बैठेंगे तो कैसे उनके खिलाफ बोलेंगे? नहीं, स्वायत्त है, लेकिन उसके चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, वो उन्हीं पार्टियों के थोपे हों। ये देखिए, ये शहीदी दिवस आज 23 मार्च शहीदी दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों योद्धाओं को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया था और वो सिर्फ देश की आज़ादी के लिए नहीं था, देश में एक व्यवस्था परिवर्तन और समाजवादी व्यवस्था है उसके लिए इन तीनों महायोद्धाओं का जंग थी, संघर्ष था। और उसी संघर्ष में हम आज यहाँ पर इन तीनों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो एक तीसरा मोर्चा हमारा बना है 6 पार्टियों का, और इस पार्टी इसमें हम उसके साथ साथ निजीकरण के विरुद्ध और हम ये बढ़ता जो भ्रष्टाचार है और जो यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जो शहीद आजम भगत सिंह के बिल्कुल विचारों के उलट है, जो सांप्रदायिकता माहौल एक पिक्चर को लेकर के बनाई जा रही है देश में, हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म की जो राजनीति की जा रही है, उसके विरुद्ध हम यह मेमोरेंडम देने आए हैं। और जिस तरह से निजीकरण के माध्यम से रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, खास तौर पे जो हमारी यह आज मांग है निजीकरण के खिलाफ, जिससे कि रिजर्वेशन जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां जा रही हैं और जो भारत का जो भविष्य का जो अर्थव्यवस्था जो खत्म होनी है, लालाओं की जेब में जा रही है, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। और ये जो नशाखोरी दिल्ली के अंदर जो नशे को डुबोए जा रहा है, ये जो नई नई पॉलिसी ला के शराब के ठेके निजी हाथों में दे करके और पूरे जो 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी है, नई जो ये नशे की शराब की नीति लाए, उसके विरुद्ध हमारी ये लड़ाई है और मांग है कि आज के दिन जो शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारी मांग भी है कि इन दोनों को शहीद का दर्जा दे सरकार और इनको भारत रत्न दे इनको तीनों को। आपने फिल्म की बात करी, फिल्म से वो कह रहे हैं कि सच्चाई को हमने उजागर किया है और हम घर घर तक ये सच्चाई लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, एक जाति की सच्चाई अगर आप कहते हो वो कश्मीरी पंडित है, ना तो कश्मीरी हिंदू कह रहे हैं वो अपने आप को, ना वो अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, ना कश्मीरी कह रहे हैं, वो कश्मीरी पंडित एक जाति की वो है। और हम तो और वो जहाँ जाति की
की बात करोगे तो हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो हमारा तो सबसे ज्यादा शोषण 5000 साल से हुआ है, और जो लोग आज ये इस तरह से बातें कर रहे हैं उन्होंने ही हमारा शोषण किया है। ये हमारे संबर की नगरी थी ये जो कश्मीर सारा, और इन्होंने कत्लेआम करके हमारे मूल निवासियों से छीना, तो हम भी तो पीड़ित हैं भाई। लेकिन आज जब भारत में एक आधुनिक संविधान है जो बाबा साहब ने दिया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन मनुस्मृति को भी हटाया गया इस देश से, और इस देश से अंग्रेजी शासन को भी संविधान को हटाया गया, जब हमारे पास एक संविधान है और उस संविधान में पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, तो ये लोग जाकर के कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, लोग जाकर के कैसे भाषण दे रहे हैं वहां पर, क्यों भड़का रहे हैं एक जाति और एक धर्म को लेकर के क्यों काम कर रहे हैं? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि आप एक जाति और एक धर्म को लेकर के काम कर रहे हो। हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, हमें इस बात से नहीं है कि उनको भी न्याय मिले, उस जाति को भी न्याय मिले, और मिला भी है और खूब आप दे दो, ले जाओ, बीजेपी की सरकार है, आप लेके जाओ ना भाई वहां कश्मीर में, उनको दो उनके घर मकान, किसने रोका है? पुलिस आपके पास, फौज आपके पास, अर्धसैनिक बल आपके पास, सारी शक्ति आपके पास, ले जाओ कश्मीर में, किसने रोका है? लेकिन आप देश तोड़ने का काम हम नहीं करने देंगे। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की आज शहादत दिवस है, हम भी शपथ लेंगे, हम भी घर घर जाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे कि एक जाति के लिए सरकार है या पूरे देश के लिए है, ये बताना पड़ेगा। सर, एक दलित मूंछ रख लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती है, आप भी उसी समाज से आते हैं, क्या कहोगे कि दलितों को अधिकार नहीं है? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि ये तो चलो आप कह रहे हो कि एक जाति एक दूसरे धर्म ने आपको आपके खिलाफ ये किया, हम तो एक जाति में रह करके एक कश्मीरी पंडित है, पंडित आज ये जो पैगाम हम लेकर के आए हैं, हम आज शहीदों को जो शहादत उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उस श्रद्धांजलि में पैगाम छुपा हुआ है कि जो अभी हमारे 6 राजनीतिक दल जिन्होंने पूरे कमिटमेंट के साथ और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए, प्रचार किया, तमाम काम किया, प्रेस को बुलाया, मीडिया को बुलाया, मैं उन तमाम 6 साथियों को कहूंगा कि यहाँ पर खड़े हो जाए एक बार, यहाँ सबके सामने आकर के मैं कहूँगा राजकुमार सैनी साहब, विजय कसाना साहब, पांचाल साहब, राजकुमार सिद्धार्थ साहब, सर 6 साथी तो खड़े हो जाए, पहले इनको देख तो ले लो, इन 6 दलों ने वाल्मीकि झा साहब मगर भाषण दे करके तो चले गए, मगर एंड टाइम पे चले जाते हैं, कोई इसको अदरवाइज ना ले, अगर इस ग्रुप में अगर हमारे साथ आना है तीसरे मोर्चे में दिल्ली में, तो आपको कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धन भी खर्च होगा, इसमें कुर्बानियां भी होंगी, और जनता भी चाहिए, समय भी चाहिए, अगर वो किसी के पास है तो आ जाए और हमारे साथ यहाँ पे वेलकम है, उसका स्वागत है। तो इसलिए दास्त है, मैं इन सब साथियों को 5 के 5 साथी और मुझे मिला के और इनके जो लाए हुए तमाम साथी कार्यकर्ता नेता सबको मैं दिल से शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शक्ति देने के लिए मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और आज इस कार्यक्रम को हमने तो सोचा था कि झा साहब को कहा था कि कैंडल लाना, क्योंकि लास्ट में कैंडल हम जला करके इसका समापन करेंगे, पता नहीं लाए कि नहीं लाए, नहीं कोई बात नहीं, इसको कर देते तो उसको कर देते तो चलो कोई बात नहीं, तो चलो। लेकिन अब जो हमारे जितने भी साथी आए सबका धन्यवाद अदा करते हुए कार्यक्रम का मैं समापन करने की घोषणा करता हूं। और ये समापन है, ये खत्म नहीं है, क्योंकि आज ही से शाम से फिर दोबारा से आगे के युद्ध की रणनीति 6 के 6 साथी बैठ के संयोजक मंडल बनानी शुरू कर देगा। और हम दिल्ली को, क्योंकि कल ऐलान हो गया है, एक MCD हो गई है, एक मेयर हो गया है, तो हमारे सामने जो 3 की चुनौती थी वो कम होकर के अब 1 हो गई है, और मिलके लड़ेंगे, और दिल्ली में मेयर हम तीसरे मोर्चे का बनाएंगे, अपना बनाएंगे।